राजीव तुमको कितना टाइम लगा टोटल सो कवर करने में, मतलब तुम्हारा ओनरशिप? टू डेज वर्क, इट्स टेक हार्डली हाफ एन आवर, हार्डली हाफ एन आवर नेम हैज बीन ट्रांसफर्ड ऑन माय नेम। तो आधा घंटा में तुम्हारा गाड़ी ट्रांसफर हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ कवर करना चाहता हूँ कि देखो गाड़ी ट्रांसफर के लिए क्या क्या चाहिए। पहला चीज़ है भाई, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन स्विच ऑन योर कैप्शन बिकॉज आई विल बी स्पीकिंग इन माई नेटिव लैंग्वेज इन दिस वीडियो, सो सम ऑफ माई फ्रेंड्स वॉन्टेड सम स्पेसिफिक थिंग्स ऑन दिस वीडियो। सो ये जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट माई कलीग राजीव हु इज़ ड्राइविंग राइट नाउ। सो ही इन माई ब्लॉग वन ही वॉज डीलिंग विद ओनर टू बाई ए कार। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसका पेमेंट वेमेंट सब कुछ हो चुका है, ओनर ने भी कुछ डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कर दिया। अभी हम लोग ओनरशिप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं इन टू द ट्रैफिक ऑफिस, जो एक मिलटन के पास एक ट्रैफिक ऑफिस है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, सॉरी नॉट इन मिलटन, पाइनलैंड्स के पास। तो वहाँ पे हम लोग अभी ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हैं। सो ए वीडियो रे, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर हाउ द ओनरशिप आई मीन ट्रांसफर हैपन्स। सो आई नीड टू गो एंड चेक व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड एंड इट्स अ वेरी हैसल फ्री एक्चुअली, बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो ये वीडियो रे मैं ये सब जिनसे कवर करी जे आज राजीव को तार जो निशान एक्सट्राल्टा हुई जे कवर्ड इन माय ब्लॉग वन। इफ यू हैव नॉट चेक दैट ब्लॉग वन देन यू कैन चेक दैट ब्लॉग वन वीडियो। सो इन दैट ब्लॉग वन वीडियो मो राजीव रो जो ओनर सांगे डीलरशिप जो डीलिंग टा हेतला दैट आई कवर्ड। सो राइट नाउ वी आर ड्राइविंग देयर टू द ट्रैफिक ऑफिस वेयर ही हैज सम स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी ओनर तार डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कर सारी मुझे कवर करी से कौन कौन डॉक्यूमेंट रे से डिपॉजिट कला आउ जहाद्वारा कि इज गोइंग टू गेट द ओनरशिप ट्रांसफर। सो आमर जमी ओडिशा रे रजिस्ट्रेशन गोटे नंबर था रजिस्ट्रेशन कार्ड गोटे मिले तो ये भी सेमती गोटे डॉक्यूमेंट तो मिले जो किसी गाड़ी रा नंबर थी तुम टीआरएन नंबर थी जोटा कि विच आई कवर्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस हाउ टीआरएन इज इम्पोर्टेंट इन साउथ आफ्रिका। सो से वीडियो बेसिस सॉरी से ही टीआरएन बेसिस तार गाड़ी भी रजिस्टर हे प्लस राजीव विल बी पार्ट ऑफ दैट। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। Okay Rajiv, so I think you will be the proud owner of the car today. Correct, I am really proud to buy this car. Yeah, and gote thara gaadi kina heijibo then tamanagar jemti India re gaadi puja hue to se plan bi achi eti. He is also very you know I mean very religious guy, so he wanted to do a proper puja of gaadi through I mean through an Indian priest which I have also arranged it. So seta mu our future video re dekhiba if I possible then I will cover that. So let's go, let's I am going to drive there. So we are going to reach in another 5 minutes then I am going to show you that office what are the steps we are taking to do the ownership changes. Okay, एबे आमे ट्राफिक ऑफिस रे पहुँची गलु। देख के नीट एंड क्लीन आम इंडिया आर टी ऑफिस रे केते दलाल वलाल केते लोक भर्ती देख ये ट्राफिक ऑफिस कई भी गोटे लोक ना पूरा ऑफिस भितर आम जाऊे से आम डिस्कस करवा केमी ओनरशिप ट्रांसफरटा हे। सो राजीव तुम्हारा अभी ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, मैं आई हैव शोन यू द ग्लिम्स ऑफ दैट ऑफिस। ये भी अभी डिजिटल हो गई, यहीं पे ऑफिस था जो मैं पहले काफ़ी साल पहले आया था उतना डिजिटल नहीं था और मेरे भी अपना टीआरएन नंबर यहीं पे जनरेट किया था। तो द थिंग इज राजीव तुमको कितना टाइम लगा टोटल सो कवर करने में, मतलब तुम्हारा ओनरशिप? टू डेज वर्क, इट्स टेक हार्डली हाफ एन आवर, हार्डली हाफ एन आवर नेम हैज बीन ट्रांसफर्ड ऑन माय नेम। तो आधा घंटा में तुम्हारा गाड़ी ट्रांसफर हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ कवर करना चाहता हूँ कि देखो गाड़ी ट्रांसफ़र के लिए क्या क्या चाहिए। पहला चीज़ है आपका ये वाला डॉक्यूमेंट है जो ओनरशिप ट्रांसफ़र का फॉर्म है, जो एक येलो कलर है ये वाला फॉर्म। अब इस फॉर्म में आपका ओनर अपना डिटेल्स डालेगा, बायर अपना डिटेल्स डालेगा, फिर दोनों सिग्नेचर करेंगे, ये अपना सिग्नेचर डालेगा, वो अपना सिग्नेचर डालेगा, वेयर और गाड़ी का भी डिटेल्स डालेगा कि गाड़ी का नंबर क्या है क्या नहीं, वो सारा डिटेल्स उस फॉर्म के अंदर है वेयर यू हैव टू फिल अप। तो ये फॉर्म आप यहाँ पे फ्री में मिलता है, कोई भी ट्रैफिक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाओ वहाँ पे आपको फ्री में ये फॉर्म मिलेगा। से फॉर्म टा रे तुम्हें ये डिटेल्स सड़क फिलअप कर, फिलअप कला परे ओनर आइदर ओनर जाए निजे डिपोजिट कर दो, ताने कौन ओनर ऑलरेडी मैंने ओनर को पैसा ट्रांसफर होगा, ई हाज नथिंग टू वरी ना। ओनर तार से जीव ट्राफिक डिपार्टमेंट देदेव कागजटा, भाई आई एम डिक्लेयरिंग दैट दिस व्हीकल आई एम गोइंग टू गिव दिस पर्सन जे जी धर राजीव ओनर ये पर्सन तार पासपोर्ट नंबर सब तादेर अच्छी है कि ना हो
ସେ ଓନର କରିଦେଇଥିଲା ୱିକେଣ୍ଡରେ ଯାଇ କରିଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଆମେ ୱିକେଣ୍ଡରେ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଥିଲୁ ତାପରେ ସିଏ ବୋଧେ ମନ୍ଡେ ଯାଇକି ମନ୍ଡେ ଯାଇକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେ ମତଲବ ପେପର ସବମିଟ୍ କରେ କଲ ହମ ଲୋକଙ୍କ ଟାଇମ୍ ନହିଁ ହମ ଲୋକ ଜା ନହିଁ ପାଏ ଫିର ଅବ କ୍ୟା ହୁଆ କି ହମ ଲୋକ ଆଜ ଗଏ କି ୱହାଁ ପେ ଯାକେ କ୍ୟା କରନା ତୋ ଅଲରେଡ଼ି ଉନକା ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ ଦୋ ଡିଟେଲ୍ସ ଆର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆ ମତଲବ ଓନରନେ କନସେପ୍ଟ ଦିଏ ଉନକା ସିଷ୍ଟମ୍ ହେ ଅଲରେଡ଼ି ହେ एज यूजुअल हम लोगों ने वैसे कोई ट्रैफिक रजिस्ट्रेशन नंबर में जाओ जहाँ पे टोकन खरीदना पड़ता है फिर सॉरी नॉट खरीदना पड़ता है सॉरी टोकन जनरेट होगा वो टोकन के हिसाब से बैठर हो लाइन पे जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया फिर आपका नंबर के हिसाब से काउंटर में जाओगे सो वंस यू गो टू द काउंटर हम लोगों को पूछा भाई तुम्हारा पासपोर्ट दो हम लोगों ने पासपोर्ट दिया फिर हम लोगों को पूछा तुम्हारा वीज़ा स्टिकर दिखाओ तो वीज़ा स्टिकर दिखाया तो उन्होंने अपना सिस्टम वैलिड किया उसके बाद हम लोगों को बोला कि आपका ऑलरेडी अगर मान लो ओनर अगर वो येलो फॉर्म नहीं देता तो हम लोगों को येलो फॉर्म आके देना पड़ता या ओनर खुद भी आता है हम लोग भी दे सकते हैं मतलब अगर ओनर बिजी है तो हम लोगों को येलो फॉर्म में जो सिग्नेचर वाला फॉर्म है सेटा भी दे दो सेटा भी जाके हमें डायरेक्टली वी कैन गिव इट टू देम नॉट अ प्रॉब्लम बट बिकॉज इन दिस केस इन राजेश केस ओनर हैज ऑलरेडी डिपॉजिटेड सो ऑलरेडी दे फिट इन टू दर सिस्टम सो बाय द टाइम वी आर देयर सो दे आर ऑलरेडी आई मीन द सिस्टम ऑलरेडी अप टू डेट कि ओनर ने कंसेंट दे दिया कि गाड़ी को इस आदमी का ये वीज़ा वाला आदमी ये पासपोर्ट वाला आदमी को आप फॉरेन नेशनल है इसको आप गाड़ी में तो वो कंसेंट फॉर्म उसने दे दिया अभी हम लोग जब गए तो उन्होंने मेरे को हम लोग पासपोर्ट जैसे बोले पासपोर्ट वगैरह सब कुछ मांगा हम लोगों ने सारा डिटेल्स दे दिया अब देने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि आप थोड़ा वेट करो दे हैव टू वेरीफाई द पासपोर्ट तो उन्होंने शायद उनका कुछ इंटरनल सिस्टम्स होगा जो कि ये फॉरेन नेशनल है पासपोर्ट क्या है क्या नहीं है वो सारा डिटेल्स वो लोग चेक किए जस्ट हार्डली 5 मिनट लगा था जी भाई 5 मिनट के बाद दे जस्ट कंफर्म किया आप आइए हमारे हमारे जगह पे मतलब हमारे डेस्क पे आइए तो हम लोग उस डेस्क पे वहीं पे बैठे थे तो दे कॉल्ड अस फिर उन्होंने वो सब मतलब जो भी कुछ करना था कुछ सिस्टम में वो लोग एंट्री वेंट्री किया और हमसे और एक ब्लू बुक मांगा ब्लू बुक मतलब क्या होता है आप जैसे मैं पहले प्रीवियस वीडियोस में आपको बोला था कि अगर आपको कोई गाड़ी चलाना है साउथ अफ्रीका में आपको लाइसेंस इज मस्ट लाइसेंस आपको मस्ट है टू ड्राइव अ व्हीकल तो इसको भी नया लाइसेंस डिस जनरेट करना है ठीक है तो उन्होंने उसके लिए फीस भी मांगा आई विल कवर यू दैट इन शॉर्ट वाइल तो वो लाइसेंस जिसके लिए उन्होंने जो फीस लिया उसके लिए एक ब्लू बुक होता है जिसमें राजीव अपना अपना डिटेल्स दिया अपना पासपोर्ट डिटेल्स दिया अपना एड्रेस दिया सब कुछ दिया तो उन्होंने अपने सिस्टम में वेरीफाई किया इफ इट इज मैचिंग और नॉट एक बार मैच कर दिया उन्होंने फिर लाइसेंस डिस दिया अब यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो भाई जदि साउथ अफ्रीका रे गाड़ी किनबो कने एठी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू पीपल आल्सो बिकॉज जस्ट 2 days बैक वी आल्सो टोल्ड अ रॉन्ग थिंग बाय अनदर ओनर हु इज सपोज टू बाय ए कार फ्रॉम हिम सी रोड वर्दी इज मस्ट देखो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है साउथ अफ्रीका में मान लो राजीव एक बायर है उसको क्या पता है कि ये गाड़ी कितने फिट है जैसे हम लोग फिटनेस होता है ना हम लोग का इंडिया में फिटनेस चेक्स होता है तो यहाँ पे हर एक व्हीकल का फिटनेस अगर ओनरशिप ट्रांसफर होता है तो राजीव को कैसे पता है कि इस गाड़ी कितने फिट है टू ड्राइव ऑन द रोड वो तो बाहर से देखा इंजन थोड़ा स्टार्ट किया थोड़ा सा मतलब 2 किलोमीटर चलाए देन ही पहुंचेस द कार या व्हीकल जो भी है बट फॉर एनी न्यू ओनर हाउ ही विल नो सो दिस इज अ ग्रेट रूल इन साउथ अफ्रीका आपको गाड़ी ट्रांसफर करने से पहले आपको रोड वर्दीनेस का फिटनेस करना ही पड़ेगा दैट मीन्स यू हैव टू गो टू अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड रोड वर्दी यहाँ पे सेंटर से जो शायद आज के डेट में 650 रैंड मतलब पकड़ लो 2500 रुपया लगता है इंडियन करेंसी में आपको उधर जाके रोड वर्दी पूरा करना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट ला के इनको डिपॉजिट देना पड़ेगा या तो अभी इसको ओनर इसको दे देगा ही कैन डिपॉजिट और द ओनर कैन डिपॉजिट तो अभी कभी कभी क्या होता है जिनको पता नहीं होता ओनर बोल देते आप लोग रोड वर्दी करना कोई जरूरत नहीं लेकिन बिना रोड वर्दी का आपको लाइसेंस डिस मिलेगा ही नहीं Somebody will tell no if you wanted to get a new number only go for road of this it is completely wrong because this was told by another owner where we are dealing actually for another friend now in the traffic department they very clearly told me without a roadworthy certificate they cannot generate a license disc to isliye bhai log agar aap gaadi khareed rahe agar if any person who is new in south africa wanted to buy a car or any vehicle he has to get a roadworthy check uske liye 650 rand lagta hai डिपेंड करता है क्या गाड़ी है आई डोंट नो एग्जैक्टली द वेरियस रेट्स बट इस गाड़ी के लिए 650 लगा जो मेरे को याद है 7 साल पहले 200 रैंड लगता था तो मतलब 1000 रुपये अभी 2500 रुपया लग रहा है तो ये करना मस्ट है मान लो अगर हम नहीं किए मान लो अभी राजीव ने पेमेंट कर दिया ओनर तो ट्रांसफर कर दिया अभी ओनर गायब अब ये जब अपना लाइसेंस खरीदने जा रहे हैं बोला भाई रोड वर्दी दिखाओ और ये अभी लोड वर्दी सेंटर में जाके अब लोड वर्दी किया और लोड वर्दी फेल हो गया अब करेगा क्या गया गॉन अभी ये गाड़ी को उसको कबाड़ी में देना पड़ेगा नॉर्मली ऐसा होता नहीं रोड वर्दी पास हो जाता है बट यहाँ पे रोड वोड अच्छा है बट आई एम सेइंग यू कैन नॉट टेक द रिस्क इफ यू आर बाइंग ए कार रोड वर्दी इज मस्ट अगर डीलर से खरीदते वो सब करते अगर आप ओनर से खरीदते तो रोड वर्दी जेमी तेले करे पड़े विच इज मस्ट फॉर एनी बायर इन साउथ अफ्रीका टू ड्राइव ए व्हीकल सो राजीव हम लोग सेफ हो गए कि वो ओनर बहुत जेंटिल था एक्चुअली मेरा भी एक नॉलेज था मैंने ओनर को पूछा था रोड वर्दी किया था या नहीं
और वो अच्छा था कि रोडवर्थी कुछ वैलिड होता है, मुझे एग्जैक्टली वैलिडिटी पता नहीं है कि 30 दिन वो वैलिडिटी है कि 3 महीने वैलिडिटी है, मैं एग्जैक्टली पता नहीं, यू कैन सर्च इन द नेट। तो उसी वैलिडिटी के अंदर आपको ओनरशिप ट्रांसफर करना है, अगर वो वैलिडिटी चला जाए तो आपको फिर से रोडवर्थी करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो एक एक बायर का कितना बड़ा इंटरेस्ट द गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर। ये देखिए, आप इंडिया में अगर गाड़ी कर लेते, पता नहीं, हम लोग तो कोई फिटनेस टेस्टिंग सीधा गाड़ी ओनरशिप ट्रांसफर करते, हमको पता ही नहीं है वो गाड़ी फिट है या नहीं रोड पे चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बायर का भी ध्यान दिखाया जा रहा है, जोटि कि बायर टा किनिया पूर्व ही शुड बी एंश्योर कि गाड़ीटा बड़े फिट अच्छी रोड रे चले। सो दैट इज अ वंडरफुल थिंग द ओनर हैज डन। अब राजीव को लाइसेंस डिस मिल गया। अभी देखो लाइसेंस डिस में बढ़िया बढ़िया मजा चीज़ है, अभी ओनर का लाइसेंस डिस वैलिड था सेप्टेम्बर तक, मतलब तारा जो लाइसेंस डिस का कॉस्ट है एवरी ईयर, विच आई एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियोस, वेयर यू हैव टू पे एवरी ईयर द लाइसेंस डिस, इसका ओनर का वैलिडिटी है सेप्टेम्बर तक। अब देखो ये अभी खरीद रहा है तो इसका वैलिडिटी अभी नेक्स्ट प्रोबेबली फरवरी एंड तक कुछ वैलिडिटी रहेगा उसका, कुछ 365 डेज ऐसा कुछ होता है। अब देखो बिकॉज द ओनर हैज पेड टिल सेप्टेम्बर, राजीव को सिर्फ सेप्टेम्बर से लेकर फरवरी तक का पेमेंट करना पड़ा। मतलब देख रहे हो कितना नीट एंड क्लीन प्रोसेस है, और मतलब इसको सिर्फ 200 रैंड लगा, मतलब 1000 रुपया। जब वो नेक्स्ट ईयर सॉरी फरवरी में जब उसका वैलिडिटी खत्म होगा तब उसको शायद कितना बोला, 700 रैंड के आसपास बोला, 750 के आसपास पकड़ लीजिए, 3500 रुपये के आसपास इसको लाइसेंस फीस देना पड़ेगा टू ड्राइव द कार फॉर नेक्स्ट ईयर। क्योंकि एक बार राजीव याद रखना, यू हैव टू गो फॉर लाइसेंस ऑन टाइम। क्योंकि मैंने भी वो गलती किया था, मैं थोड़ा इंडिया चला गया था, लाइसेंस डिस्क मैं सोचा शायद कंसिडर करेगा, बट आई पेड ए फाइन अराउंड 1000-1500 आई पेड ए फाइन, मतलब 250 रैंड प्रॉब्ली आई पेड ए फाइन। तो तुमको अगर लाइसेंस डिस्क होने से एक महीने पहले यू कैन डू योर रिन्यूअल, अगर तुम कहाँ बाहर जा रहे हो डू द रिन्यूअल, लोगों नहीं तो तुमको फालतू का एक फाइन लगेगा, क्योंकि लाइसेंस डिस्क शायद एक महीने तक ग्रेस रहता है। बिना लाइसेंस डिस्क का अगर चला है साउथ अफ्रीका में, अगर तुमको ट्रैफिक फाइन मतलब ट्रैफिक पकड़ा तो हेफ्टी फाइन होगी, मीन दे कैन सीज योर व्हीकल ऑल्सो, सो डोंट डू दैट मिस्टेक। सो ये हमारा था आज का वीडियो राजीव, आधा घंटा में सारा चीज हो गया, राइट, एवरीथिंग एकदम हैप्पी, आरटीओ ऑफिस इंडिया, अरे बाबा ये भगवान। आई वांट टू थैंक डेविड स्पेशली, डेविड ही हेल्प मी इन ऑल द वेज टू कंप्लीट द वर्क। ओके, वो नहीं रहते तो हम इतना सारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आप जानते हो समझते हो, फर्स्ट टाइम न्यू कंट्री में बहुत प्रॉब्लम है। डेविड थे जो हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दिए एंड इट ऑल गोज वेल। हम लोगों ने वही स्टेप्स लिया था जो मेरे को नॉलेज था, इसलिए आई गिव माई ऑल माई नॉलेज, आई मीन ऑल माई कलीग्स दे ऑलवेज कम फॉर कार टू मी, बट एनी। और ये तो वीडियो मैं अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो मेरे उड़ीसा के फ्रेंड्स लोग हैं, तो ताकू सब वही वीडियो दरकार है उनके लिए, दे वॉन्टेड ए वीडियो टू हाउ द कार आर परचेज, व्हाट इज द रूल्स एंड ऑल। So I think that's why I covered this video. So anyway, thank you very much for watching this video. I think this video is going to help a lot of people who are going to buy a new vehicle in South Africa. So Rajiv, अभी तुम्हारा next काम है, तुमको गाड़ी का पूजा करना। गाड़ी पूजा करना। तो हम मैंने already एक Indian यहाँ पे temple है जहाँ पे एक priest है, उनसे मैं बात किया हूँ। देखता हूँ अगर मैं एक ब्लॉग में एक छोटा सा पूजा दिखा सकता हूँ, जो जो प्रीस्ट ने बोले कि कुछ कुछ सामान दे विल सेंड एन मैसेज कि क्या क्या सामान चाहिए, और वो प्रीस्ट ही यहाँ पे कौन सा डेट कौन सा टाइम अच्छा है इसके हिसाब से उसका जो भी कुछ डाटा लेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट हिंदू कैलेंडर रूल्स दे विल परफॉर्म द पूजा डेट। तो राजीव फिर तुम जाके अपना गाड़ी का पूजा, देखता हूँ इफ़ आई कैन डू ए पूजा विद ब्लॉग एट दैट टाइम। सो अभी नेक्स्ट राजीव मैं तुम्हारा और एक वीडियो बनाऊंगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो शायद मैं कवर करूंगा, तो ये मेरा शायद ब्लॉग जो भी 4 या 5 जो भी है, आई हैव नॉट प्लान दिस ब्लॉग, एक्चुअली मेरा काफ़ी सारे ब्लॉग्स अभी आगे आने वाला है, तो आगे का ब्लॉग में मैं एक प्रॉपर कवर करूंगा कि राजीव गाड़ी खरीदने पहले क्या क्या चीज़ उसने चेक किया था, जो मैं इसको मतलब एक्सप्लेन किया था कि क्या बेसिक चीज़ एक ओनर से चेक करो तो क्या चेक करना है, दैट आई एम टू कवर यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। ओके स्टे ट्यून, तो आप अपना मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, ये सारा डिटेल्स आई एम टू कवर। ओके राजीव, वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो एंड नाउ यू आर अ प्राउड ओनर, ड्राइव रियली हैप्पी, ड्राइव सेफ इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका रूल फॉलो करो ट्रैफिक का, वो भी मैं एक वीडियो में कवर करूँ, कुछ बेसिक रूल्स ऑफ साउथ अफ्रीका ड्राइविंग का जो मैं कुछ कवर करूँगा इन माई सम ब्लॉग्स इन फ्यूचर। तो राजीव ड्राइव सेफ, एंजॉय योर ड्राइव एंड एंजॉय द एक्स्ट्रा इन साउथ अफ्रीका, कभी कभी मेरे को भी घुमाने ले जाना अपना बड़ा। ओके गाइस, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन ऑन माय चैनल एंड just give a thumbs up. Okay, see you. Bye-bye.